तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए आत्मघाती बम धमाकों में कई लोगों की जान जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट धमाकों में 85 लोगों और कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर दो बम धमाके के बाद समाचार एजेंसी AAFP ने तीसरे धमाके की जानकारी दी। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल में और भी धमाके हो सकते हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपने दावे में इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। विस्फोट ऐसे समय हुआ जब अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हवाई अड्डे पर जमा है। काबुल हवाई अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों की निकासी अभियान के बीच पश्चिमी देशों ने हमले की आशंका जताई थी। कई देशों ने लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने की अपील की थी क्योंकि वहां आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई थी। काबुल के स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि 85 नागरिक मारे गए हैं। वही अफगान पत्रकारों द्वारा शूट किए गए वीडियो में हवाई अड्डे के किनारे पर एक नहर के आसपास दर्जनों शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कम से कम दो विस्फोटों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वही SIS ने कहा कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सेना के मददगारों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने हमले के पीछे ISIS का हाथ होने की बात कही है। धमाकों में हताहत हुए अमेरिकियों की संख्या गुरुवार को 12 से बढ़कर 13 हो गई। माना जा रहा है कि 2011 में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद यह दूसरी घटना है जिसने अफगानिस्तान में इतने अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने की घटना में 30 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल हमले के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है और हमले में मारे गए लोगों की जान का बदला लेने के संकल्प लेते हुए कहा, हम तुम्हें पकड़कर इसकी सजा देंगे।